देश में इन दिनों लव जिहाद के काफी मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आया, जहां एक योगा ट्रेनर महिला ने जिम ट्रेनर पर लव जिहाद का आरोप लगाया है। आरोप है कि पहले नाम छिपाकर जिम ट्रेनर ने दोस्ती की और उसके बाद शादी का प्रस्ताव रख दिया। सिर्फ यही नहीं, उसने पीड़िता से शारीरिक संबंध बनाए और अश्लील वीडियो बना लिया। हालांकि अब पुलिस ने आरोपी जिम ट्रेनर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ में फिर से लव जिहाद का मामला। अथर्व बनकर फैजल ने युवती से शादी रचाई, राज खुलने पर धर्मांतरण का दबाव बनाया। आरोपी ने बनाए पीड़िता के अश्लील वीडियो। राजधानी लखनऊ में लव जिहाद का एक और मामला सामने आने से हड़कंप मचा है। धर्म छिपाकर लड़कियों से शादी और फिर धर्मांतरण का दबाव बनाने के मामलों में कमी नहीं आ रही है। लखनऊ की एक योगा टीचर ने चिनहट कोतवाली में आरोपी युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। आरोप है कि इस युवक ने अपना नाम अथर्व बताया था। आरोपी एक जिम का संचालक है। आरोपी ने पीड़िता को जिम में नौकरी दिलाई थी और शादी का प्रस्ताव रखा था। आरोप है कि अथर्व ने पीड़िता से शारीरिक संबंध बनाए और अश्लील वीडियो भी बनाए। पीड़िता ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने जानकीपुरम स्थित आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। हालांकि पीड़िता को अपने घर नहीं ले गया और एक अपार्टमेंट में फ्लैट लेकर रहने लगा। अप्रैल 2022 में इस लड़की को पता चला कि अथर्व मुस्लिम है और उसका असली नाम फैजल है। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वो मुस्लिम है। इसके बाद फैजल ने लड़की पर धर्मांतरण का दबाव बनाना शुरू कर दिया। लड़की के इनकार करने पर उसने अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी और उसे वहीं पर छोड़कर चला गया। एक बार फिर से मुस्लिम युवक ने अपना नाम बदलकर हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, विरोध करने पर शादी की, उसके बाद धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा, मना करने पर मारपीट तक कर डाली। ताजा मामला राजधानी लखनऊ के चिनहट थाना क्षेत्र का है, जहां पर फैसल नाम के युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि योगी सरकार की इतनी सख्ती के बाद भी इस तरीके के मामले आखिर सामने क्यों आ रहे हैं? बाद में लड़की ने दबाव बनाया तो आरोपी ने उसे जलाकर मारने की धमकी दे दी। लड़की का आरोप है कि इससे पहले भी फैजल के दो हिंदू लड़कियों के साथ संबंध थे। पीड़िता ने चिनहट कोतवाली में मामले की शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है। महिला ने जब शादी का दबाव बनाया तो उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से उनसे शादी की और शादी के बाद उस महिला को पता चला कि ये लड़का हिंदू नहीं बल्कि एक मुस्लिम है और उनका असली नाम फैजल अहमद है। उन्होंने अपना धन छुपा के उनसे शादी की और उनको झांसा दिया, जिसमें चिनहट थाने में 692/22 मुकदमा अपराध संख्या दर्ज हुआ। डीसीपी ईस्ट क्राइम टीम द्वारा इसमें अरेस्टिंग की गई है। फिलहाल मामले की जाँच जारी है, लेकिन राजधानी में इस तरह के लगातार मामले सामने आने के बाद प्रशासन के कान खड़े हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।